हेलो गाइस, व्हाट इज अप व्हाट इज अप व्हाट इज अप। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कल का जैसे कि चैलेंज मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, बीच में तो नहीं छोड़ा था, पिट पिट आके बैठ गई थी एंड में, और मैंने लिखा था आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा क्या हुआ। तो उसके बाद हुआ ये था कि शिल्पा किलस गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको लग गई थी गाइस, और उसने मुझे इतना मारा। फिर हमने वहीं पे एंड कर दिया पूरा व्लॉग। और अभी शिल्पा रेस्ट कर रही है और हम अभी आके बैठे हैं घर पे। तो इसके बाद हम करेंगे चैलेंज, गेस द कार्टून चैलेंज। और वैसे मैं सच बताऊं, मेरा खुद का मन नहीं अब चैलेंजेस करने का, क्योंकि मैं इतने दिन से रेगुलर चैलेंज कर रही हूँ। मेरा भी डेली व्लॉग करने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं कल शायद डेली व्लॉग ही करूँ अब, क्योंकि रक्षाबंधन भी आने वाली है। तो होपफुली रक्षाबंधन तक डेली व्लॉग करूँ कि क्या क्या चल रहा है। काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे काजल दी डेली व्लॉग कर लो, आप बहुत चैलेंजेस बना रहे हो, आप डेली व्लॉग भी कर लो। बट डेली व्लॉग में सोचती हूँ मैं दिखाऊँ क्या तुम्हें, मैं क्योंकि शाम को उठती हूँ सो के, और फिर थोड़ा ही टाइम रहता है तो उसमें मैं कुछ खास करती नहीं हूँ, आके फिर व्लॉग बनाने लग जाती हूँ। बट मैंने आज ट्राई किया, मैं जल्दी उठी और मैं सोई भी थी दिन में 1-1.5 बजे, मतलब पूरी रात की उठी हुई, फिर दिन में सोई 1-1.5 बजे, और फिर मैं 5 बजे उठ भी गई थी यही सोच के कि अब रूटीन ठीक हो जाएगा। तो आज मुझे वैसे नींद आ रही है, अभी भी 9-10 बज चुके हैं तो मुझे अभी से ही नींद आ रही है। बट मैं व्लॉग करके और फिर फटाफट सोऊंगी, थोड़ी बहुत रील शूट करके, जो कि मैं आजकल इंस्टाग्राम पे रोज डाल रही हूँ, आउटफिट इंस्पिरेशन फॉर रक्षाबंधन, तो देखना मत भूलना गाइस। और शॉर्ट्स पे भी डालती हूँ मैं, फिर इंस्टाग्राम मेरा है काजल द ग्रेट 8 के नाम से। अभी हम करने वाले हैं चैलेंज शूट, गेस द कार्टून चैलेंज, और उसमें ये होगा कि हम तीन कार्टून्स लेके बैठेंगे और एक दूसरे से गेस करवाएंगे कि वो कौन से कार्टून्स थे, उनका नाम क्या है, या फिर कार्टून के कैरेक्टर होंगे ना, कार्टून्स तो नहीं होंगे, हाँ कार्टून कैरेक्टर कौन से थे वो। तो ये हम खेलेंगे आज और देखते हैं आज लड़ाई झगड़े होते हैं या कैसे करते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली आई एम बैक, और शिल्पा सो गई है, बहुत तेज तगड़े खराटे मार रही है, और वो कह रही है 10 मिनट दे, पर उसको बहुत देर हो गई सोते हुए। मुझे लग रहा है ये चैलेंज मुझे और जयगो को ही करना पड़ेगा फिर से। शिल्पा ब्लॉग बनवा दे, पहले 2 मिनट में आ रही हूँ। तूने 2 मिनट कर करके सबसे 1.5 घंटा कर दिया। नहीं, 2 मिनट में आ रही हूँ पक्का। मैं तब तक कैमरा सेट कर लूँ। चल ना भाई, उठ जा, तेरे 2 मिनट नहीं खत्म होंगे हमें पता है। चल, इतना क्या बेहोशी हो गई तेरे को, आज सुबह 5 बजे उठ गई थी ना, बहुत काम किया है, आ रही हूँ 2 मिनट में। गाइस ये तब से 2 मिनट करे जा रही है, पता नहीं कब आएगी, अब देखते हैं। और 2 मिनट वेट करके नहीं आई तो फिर जाएगा और मैं ही फाइनली ये चैलेंज शुरू कर देंगे, और हम शिल्पा को नहीं लेंगे। ओके शिल्पा, शिल्पा शिल्पा हो गई 2 मिनट। क्या कह रही है, कोई मुझे ट्रांसलेट करेगा इसकी भाषा? पता नहीं कुछ कह रही है, अजीब अजीब सा। चल आ खा के सो जियो ना। कैसी बनाऊं, आंख ही नहीं खुल रही है, तू बता, कैमरे के सामने बैठ जाऊं? आंख ही नहीं खुल रही, तू बता, कैमरे के सामने बैठ जाऊं? तो अभी हम दोनों कर रहे हैं चूज अपने। अभी मैंने 3 ही चूज करे थे, 2 और कर रही हूँ। भीम की मस्ती धूम मचाए, भीम की शक्ति होता है पहली बात तो, जो भी होता है मेंटल। फोटोज डाउनलोड करके रख रहा हूँ। चलो गाइस, मेरे तो हो गए सिलेक्ट, रह गया मेरा 5 के 5, और अब बस जयगो सिलेक्ट कर रहा है और फिर हम करेंगे गेम शुरू। आज शिल्पा ने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया हमारा, अब उठ रही हूँ तब उठ रही हूँ, अब उठ रही हूँ तब उठ रही हूँ, कब उठ रही हूँ पता नहीं, कब उठ रही हूँ। करे भाई, चलो तू करेगी। स्टोन पेपर सीजर करेंगे। बहुत ज्यादा खराब है इस टाइम पे, तो मेरी आंखें वाखे देख के लग रहा होगा भाई, चश्मा है यार। रहने, सही लग रहा है, अरे सही लग रहा है। इसको बहुत ज्यादा कोल्ड और फीवर है, मैं कह रही था, मैं बताना भूल गई थी, जब मैं कह रही थी, अरे रहने दे यार, जब मैं जगो रहने दे, जब मैं उस दिन आप लोगों को कह रही थी ना कि तबियत वबियत ऐसे हमारी खराब लग रही है हम लोगों को, आपको भी लग रही है नहीं जयगो, उस दिन बहुत कमेंट्स आए थे कि सबको तो लग रही है ना, और उसके बाद जयगो की तो लिटरली हो ही गई, जिसको कोल्ड हो गया था। चलो चलो स्टोन पेपर सीजर करते हैं। स्टोन पेपर सीजर बिशुम, चल भाई पहले तू करेगी ना, तूने मेरी कैंची तोड़ी है। हाँ तो तू स्टार्ट करना फिर। ठीक है भाई, मेरा बेनिफिट है, बेनिफिट ले लो। तो पहला कैरेक्टर है ये, तुझे दिखाती हूँ स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख। पूरे शो का नाम बताना, इसका नाम बताना, इसका तो ट्वीटी होता है ना, और इस शो का नाम लूनी टून्स था। हाँ तो मैंने कितना देखा मुझे नहीं पता, क्या दिखाई इतनी इजी,
ट्वीटी वाला देखा ही नहीं होगा। अबे इतना देखा है ना मैंने, इतना ज्यादा। सबसे मेन करेक्टर इसका और दादी का हुआ करता था ट्वीटी में, और एक मुझे बिल्ली होती थी उसका नाम नहीं पता था, उसका बोलती तो नहीं याद आता। चलो तेरी बट ट्वीटी तो इजी था, मुझे लगा इसने देखा ही नहीं होगा। चल तेरे लिए मैं भी इजी कर देता हूँ। ट्वीटी वाला लड़कियां देखती थी ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं, लूनी टून्स था ही शो, ऐसा कोई भी देख सकता था बच्चा उसको। या चल मैं सबसे इजी देता हूँ तेरे को पहला, फिनिस एंड फर्ब। हाँ चल मेरा देखो इजी दिया ना, उसके बाद के तो बता नहीं पाएगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट होता था। कैरेक्टर्स के नेम बताने हैं, कैरेक्टर के नेम नहीं बताने। तूने कैरेक्टर नहीं बताया था, तूने कहा था कार्टून कार्टून बताने। एक्सप्लेन करा है कि कार्टून कैरेक्टर ना, तूने कहा हाँ कैरेक्टर के नेम बताने। चल ठीक है बता दूंगा। ओके ओके कोई नहीं गाइस, इसको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी अभी क्लियर करके आ रहा है। फोटोज एक एक सिंगल सिंगल क्रॉप मारेगा। तो गाइस अब सॉर्ट आउट हो चुका है कि कार्टून कैरेक्टर नेम बताने। हाँ जल्दी बताओ भाई, जल्दी दिखाओ। एक सेकेंड, ये तो शिनचैन वाला है ना, ये शिनचैन कजामा। इसका नाम बड़ा टफ है भाई, ये तो। इसका नाम है डोरेमोन। मेरे को याद आ जाएगा, एक मिनट देना पड़ेगा बस उसके लिए, थोड़ा सा सोचने का तो टाइम। 10 seconds होगा। कजामा शीरो, ओ, क्या था यार इसका नाम। बड़ा दुख होने वाला है मुझे भाई स्क्रीटले का नाम देख के। मुझे पता था कि ना सबको शिनचैन का ये वाले कैरेक्टर का नाम किसी को ज्यादा याद नहीं रहता। याद था, मेरा फेवरेट कैरेक्टर था ये, सेकंड फेवरेट यही था शिनचैन का। नहीं याद है, एकदम से नहीं याद आता ना फिर। शिनचैन, शिनचैन, हाँ भाई शिनचैन, बोचैन, कजामा और मसाओ। हाँ मसाओ, इसका नाम मसाओ था। बोचैन इसका नाम मसाओ है, जो रोता पिटता था हर बार। तो गाइस जेगो हारते हुए एक पॉइंट और मैं जीतते हुए वन वन और जीरो। ये वाले का, बीच वाले का कैरेक्टर बता भाई। अबे कितना वो है यार, ये वाले का बता, बीच वाले का जो होता है कितना चंट है। मतलब ऐसा निकाल के रहा है कि तेरे को पता है मुझे पता ही नहीं होगा। नहीं पता, ऑब्वियसली बात है नहीं पता होगा। हार गई ना। चल इसका कार्टून का नाम बता दे, मैं तेरे को पॉइंट दे दूंगा। नहीं पता इसका, तूने ये नहीं देखा कभी भी? अरे मैंने देखा है पर नाम नहीं याद आ रहा। तो वैसे पूछ रहा हूँ, देखा है ऑब्वियसली, नाम नहीं याद आ रहा। कोड नेम किड्स नेक्स्ट डोर नहीं देखा किसी ने भाई? इतना बढ़िया आता था ये कोड नेम किड्स नेक्स्ट डोर। इसका नाम था निचेल, ये जो बीच वाला नंबर वन बोलते थे जिसको। ये हारना इसका गाना कैंसिल हो गया जो मेरे साथ आ रहा था। अब तू मेरे साथ काम नहीं कर सकती ब्रो, सॉरी। मैं वो बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुन के लो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ जियान। आ गया जियान, जियान का लड़का आ गया भाई। जियान का पेट आ गया, वो फड़ू हमारा, वो फड़ू। और बैठ जाओ, चलो यहीं पे बैठ जाओ। चल जाएगा। हाँ भाई मेरी बारी। हाँ अभी हमारे साथ आके बैठा है। इसका नाम बताओ। अरे ठीक है, दिखाने नहीं है ना वहाँ पे यार। ये मेरे ना बिल्कुल यहाँ पे ऐसे जीप पे पेट में आ गई ना, मुंह पे नहीं आ रहा। नहीं पता यार भाई, बताऊ क्या था? एक सेकंड, एड एड एन एडी एड एड एन एडी तेरे उसका नाम था, और इसका नाम मुझे है मुझे कार्टून का नाम याद था, एड एड एन एडी। ये ई डबल डी वाला एड है। मुझे ई 3 याद आ गया था, पर मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा था। एड नाम था जी इसका, बड़ा मस्त लगता था। ये भी बड़ा प्यारा कार्टून था। मैं आगे कुछ बता पाऊंगा? हाँ, बहुत इजी इजी भी है यार आगे। यही टफ दिए थे मैंने इसका भाई, तू दो बार हार गई है। चलो नेक्स्ट। ये कभी देखा ही नहीं मैंने, सही बताऊं। स्पॉन्जबॉब स्क्वेयरपैंट्स ना, तो इसका मेरे को पता भी नहीं है नाम। मैं तूने कभी नहीं देखा यार, कितना अच्छा आता था स्पॉन्जबॉब से। मेरे को पता नहीं क्यों नफरत सी थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता था इसका नाम। मेरे को कुछ भी नहीं पता। नहीं इसका तो 1% था। नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा कभी, पता नहीं स्पॉन्जबॉब की। नाम तो मैंने सुना हुआ पैट्रिक, बट ऐसे नहीं पता। शिट यार, इवन हो गए अभी? कहाँ इवन हो गए, अभी अभी ऐसे थोड़ी होता है। चलिए बता दे। अरे ये तो है। ये तो इतना इजी यार, बच्चे बच्चे को बता। अरे यार 10 9 नहीं याद आ रहा, आएगा ही नहीं रहने दे। हार मान ले। हां नहीं, ये भी है डेक्स्टर। अबे यार डेक्स्टर है। अबे यार अबे तू जा, स्कूबी डू डू है। नहीं था किसके लाइन डेक्स्टर्स लेबोरेटरी इसकी कुत्ता वो था भाई। सॉरी स्कूबी डू डू ये कहा था। अबे यार छी यार,
काजल इतना इजी सी, अब तुम मत बोलना मुझे कि मैं मुश्किल लेकर आया हूँ, ये सबसे इजी कार्टून है जो पुराने हैं। इसके मीम कितने वायरल हुए थे। हाँ इसके मीम बड़े वायरल। अरे ये वाला सिर्फ एक इजी था, सही बताओ। अभी अगला भी इजी है यार। चलो लास्ट है गाइस, और इसमें जो जीत गया वो ही सिकंदर, जो हार गया वो ही बाजीगर। अबे तो कैसे से गंदे से लेकर आई है, जो कभी देखे भी ना। मोटू पतलू का करेक्टर लेकर आई है, इसके नाम थोड़ी याद होते हैं। मैं वो करेक्टर लेके आई हूँ कि जो अब तक चले आ रहे हैं, मैं वो नहीं जो डेड हो चुके हैं, मैं वो लाई हूँ जो अब तक लोग देख रहे हैं। पता है? नहीं पता भाई। बस हार गया फिर, चल अपना दिखा। खुद बताइए कार्टून करेक्टर है कोई? एक सेकेंड, क्या नाम है इसका? सुन, जॉन। जॉन अबे वो है जॉन ही बनेगा डॉन। मैंने देखा हुआ है भाई, ये चीटिंग करती है। ले भाई ले, देख ले। मुझे नहीं पता, ये नहीं पता तेरे को? रिची रिच का कोई है ये शायद। कोई क्या, रिची रिच ही है वो। तो तुम छोटा रिची रिच लाया ना, बड़े वाला बना ही ऐसे तो था रिची रिच। मेरे को लगा भाई ये सारे इतने टफ लाए, ये मैं कुछ गलत इजी दिए यार मैंने तेरे को। पर इसमें हम दोनों को कंफ्यूजन हो गई ये कि हमें मेन कैरेक्टर चाहिए था या पूरा कार्टून। मैंने सारे मेन कैरेक्टर ही रखे हैं कार्टून उनके, पता नहीं कहाँ कहाँ से। वो क्या नाम था उसका, बोचैन लेके आई हुई थी। ये थोड़े क्या यार, ये व्हाट द हेल काजल, क्या कर रहा है अपने। बाद में आपसे सहमति करके ये सोचा था कि हम कैरेक्टर ही गेस करेंगे, तो उसमें भी इसको दिक्कत आई कि मेन कैरेक्टर हीरो लाना था कार्टून का। बट मैंने जितनों की भी वीडियोस देखी है, वो लोग शो का जैसे कोई पूरा शिंगशैंग है। शिंगशैंग, शिंगशैंग, फिंगशैंग, शिंगशैंग, या यो शिंगशैंग, इसको बोलना नहीं आता। जो कार्टून कैरेक्टर वो क्या करेगी जिंदगी में अपनी। शिंगशैंग कोई देखा? आपने देखा शिंगशैंग? मैंने तो नहीं देखा। शिंगशैंग गैंग साइंस है तो। अरे वो मेरे कफ की वजह से अटक जाते हैं। मेरे भी होता है शिंगशैंग, मेरा तो नाक भी बंद है। शिंगशैंग नहीं बोला गया भाई अब तक। दूसरे लोग जितने भी थे ना, वो ऐसे कैरेक्टर्स डाल थे, क्योंकि अगर मैं डोरेमोन उठा के रहूंगी तो एक सेकंड में बता देगा छोटू 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 एंड कर दे जाके। तू खुद कर लेगी एंड भाई, जा भाई छोटू। चल बंद कर गया हम लोग अपने छोटू शिंगशैंग छोटू। मेरे से नहीं हो रहा है, खुद नहीं लगाएगी कर, तब तक चलता रहेगा भाई ये चैलेंज। चैलेंज चैलेंज पागल हो गया मैं इसमें, इसके तो रह जाएगा ना मेरा दिमाग भी घूम गया पता नहीं क्यों। दौरा पड़ जाता है अगर मुझे कोई बात ऐसे इतनी से बता दे, मुझे बहुत हंसी आती है उसमें। हंसी के फबारे तेरे लगी चल ले ले भाई। गाइस तुम कैसे कहते हो, मैं ले हूं मैं डैंक ऊपर डैंक डैंक काजू चली जाए यहां से डैंक। पर मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी कभी कभी ऐसे हंसी आ जाती है ना, तो हंसी आती रहती है मेरे अंदर वीकनेस। तो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे इस चैनल को, और शिंगशैंग को जरूर देखना। अबे चल। तो आज का टाइम बहुत ज्यादा हेक्टिक था, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब अगर, बाय। ਤਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁੱਜੀ ਸੈਟਿਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਆ ਮੋਮੇ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਕੱਪੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਰੂੜ ਥੋੜੇ ਆਰੂ ਕੈਂਟਿਆਂ।